अब हम पढ़ने वाले हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार आपको मिलेंगे। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा, मतलब बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज, अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाएँ बराबर माप की होगी, समान माप की होंगी, तो वो त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज मतलब अगर तीनों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की भी हो सकती हैं, 4-4 सेंटीमीटर की भी हो सकती हैं और 3-3 सेंटीमीटर की भी हो सकती हैं, अर्थात तीनों भुजाओं का माप एक ही होगा। दूसरा विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज का भी नाम है, नाम से पता है, विषम मतलब जो बराबर नहीं है और बाहु मतलब भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएँ अलग अलग माप की होंगी तो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, तो अर्थात बराबर दो भुजा वाला त्रिभुज, या हम बोल सकते हैं दो भुजा बराबर वाला त्रिभुज, अर्थात जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, अर्थात कोई भी दो भुजाओं का माप समान होगा तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी, मतलब ए बी सी, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, इस प्रकार से तीनों भुजाएं जो है वो बराबर होंगी। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं मिलेगी आपको। ये तीनों, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं देखेंगे तो ये तीनों, ये सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी और ये सबसे बड़ी दिख रही है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है वो अलग अलग माप की होंगी, अर्थात हम बोल सकते हैं ए बी बराबर नहीं है बी सी बराबर नहीं है सी ए, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी या कोई भी दो भुजाएँ समान माप की नहीं होंगी। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये बताता है कि कौन कौन सी दो भुजाएं बराबर है। तो ए बी सी ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ए बी और ए सी ये दोनों भुजाएं समान माप की है और बी सी जो है वो उसका माप बिल्कुल अलग है, अर्थात हम इसमें लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी। यहाँ मैंने ए बी बराबर ए सी लिखा है, आप हो सकता है ए बी बराबर बी सी आपके पास जो त्रिभुज मिले वो ए बी और बी सी आपस में बराबर हो या बी सी और ए सी आपस में बराबर हो, ऐसा कोई भी दो भुजा बराबर होती है, आप किसी को भी ले सकते हैं। ये ए बी बराबर ए सी मैंने अपने चित्र के हिसाब से मैंने लिखा है। इस प्रकार से भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की विशेषता होती है। अब इसमें कुछ एक खासियत और भी बता देता हूँ, इसके पहले इसके बारे में चर्चा करा था कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज के, जैसा हमने अभी देखा है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो चूंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है इसलिए इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, और तीनों कोण आपस में बराबर होने का मतलब है वो एक ही स्थिति है, 60, 60 और 60 तीनों मिलके 180 होते हैं, 6 × 18, तो तीनों की माप, तीनों कोणों की माप हो जाती है 60, 60, 60। लेकिन कोण के जब हम कोण के आधार पर हम त्रिभुज का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो आप नहीं देखेंगे कि वो तीनों कोण बराबर वाला स्थिति रहे, क्योंकि कोण बराबर किसी भी स्थिति में हो सकता है लेकिन उसकी भुजाएं बराबर हो ये कभी भी जरूरी नहीं है, इसलिए इसको ऐसा माना गया है, क्योंकि 6-6 सेंटीमीटर वाली भी जो तीन भुजाएं होंगी ऐसे समबाहु त्रिभुज की और 4-4 सेंटीमीटर वाली भी जो तीन भुजाएं होंगी वो तीन दोनों ही त्रिभुजों में कोण तो 60-60 अंश का ही होगा, इसलिए उसकी उसे उस स्थिति में नहीं लाया जाता है कि वो कोण के आधार पर उसका नामकरण हो, भुजाओं के आधार पर उसका नामकरण होता है। यहाँ विषमबाहु त्रिभुज है, जैसा इसमें बताता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं
अलग अलग माप की होती है, तो इसके कोण भी तीनों अलग अलग माप के ही होते हैं। ये तीनों कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये बिल्कुल भी समान नहीं होंगे। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी है, इसमें दो भुजाएं बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर होती है तो जो भुजाएं बराबर होती है उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे ए बी का सम्मुख कोण है सी और ए सी का सम्मुख कोण है कोण बी, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों भुजाएं यदि बराबर है तो ऐसा हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा। ये त्रिभुज की विशेषता है। यह त्रिभुज की अन्य विशेषताओं में जब आप अपनी कक्षाओं में पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही ये देखने के लिए मिलेगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके काम की चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली है। धन्यवाद।